हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं रेलवे आरपीएफ भर्ती 2024 निकल कर आ गई है। इसमें कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए निकल कर आया है। इस ऑफिशियल वीडियो में हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आउट हुआ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, साथ में एज क्या हाइट मांगा हुआ है, क्या क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है, क्या सैलरी है, क्या सिलेबस यानी कि एग्जाम पैटर्न होगा, वो सभी ETC सभी चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहेगा, सारी डिटेल नोटिफिकेशन आप लोगों को इसमें मिल जाएगी। और ये नोटिफिकेशन आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग नोटिफिकेशन को डिस्कस कर लेते हैं। ये नोटिफिकेशन जो आया हुआ है यहाँ पे देखेंगे तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से आया हुआ है, जो कि सेंट्रल एम्प्लॉयर नोटिस RPF 02/2024 नोटिफिकेशन नंबर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव इन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स स्पेशल फोर्स के रूप में यहाँ पे निकल कर आया है। इसकी जो ओपनिंग डेट है यानी कि ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म कब से भरा जाएगा, तो ये 15/4/2024 से भरा जाएगा और क्लोजिंग डेट इसका 14/5/2024 है। ठीक है, रात्रि 12 बजे तक यानी कि 14 मई 2024 तक आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। और मॉडिफिकेशन विंडो ओपन होगा, ठीक है, जो कि 15/5/2024 से 24/5/2024, अगर कुछ गलती हो जाती है तो उसको आप लोग सही कर सकते हैं। ये अप्लीकेशन फॉर्म एलिजिबल मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए है, यानी कि दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें यहाँ पे तो पोस्ट का नाम है कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव लेवल, यहाँ पे लेवल इन 7 CPC है जो कि लेवल 3 का है। और इसमें इनिशियल पेमेंट जो होगी 21,700 और प्लस और अलाउंस वगैरह मिलेगा। और मेडिकल यहाँ पे स्टैंडर्ड B1 चाहिए और एज आपका 1/7/2024 को 18 से 28 के बीच एज चाहिए। यहाँ पे टोटल वैकेंसी जो आई है वो 4208 पोस्ट निकल कर आई है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट है। यदि आप एलिजिबल होंगे तो फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करिएगा। अब एलिजिबिलिटी क्या है उसके लिए भी हम डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे कैंडिडेट वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट ऑफ प्रिस्क्राइब एजुकेशन क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल, यानी कि जो कैंडिडेट वेट कर रहे हैं रिजल्ट का वो अप्लाई नहीं कर सकते, एलिजिबल नहीं है। ठीक है, एज आपका 18 से 28 हमने बता दिया, ये होना चाहिए, ही होना चाहिए 18 से 28 के बीच में। और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और देख लेते हैं। यहाँ पे स्टेज ऑफ एग्जाम आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम होगा, उसके बाद CBT एग्ज़ाम के बाद आपको शॉर्ट लिस्टेड की जाएगी, शॉर्ट लिस्टेड फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट यानी पेट के लिए। फिर उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट होगा जैसे कि हाइट वगैरह ये। फिर उसके बाद DV, इसके लिए टोटल 10 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। ठीक है, आगे निगेटिव मार्किंग, यहाँ पे 1/3 निगेटिव मार्किंग रहेगा CBT एग्ज़ाम में। ये आपको इम्पोर्टेंट नोटिस है जो कि ध्यान रखना है। और भी इम्पोर्टेंट नोटिस पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। और आगे यहाँ पे अपॉइंटमेंट पोस्टिंग ये सभी नहीं बात करेंगे, ये बाद की बातें हैं। सबसे पहले ये नोटिफिकेशन में जो फॉर्म भरते वक्त आपको ध्यान देना है वो यहाँ पे देखिए, ये 18 से 28 एज आपको चाहिए ही चाहिए। एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा SC ST वालों के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल और एक सर्विसमैन जनरल के लिए 3 साल आफ्टर डिडक्शन ऑफ लेंथ ऑफ सर्विस फ्रॉम एज। ठीक है, तो ये होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ आपका जनरल का जो है डेट ऑफ बर्थ ये 2/7/1996 के बाद होना चाहिए, इससे पहले का नहीं होना चाहिए। OBC के लिए 2/7/1993 के बाद का होना चाहिए और SC ST के लिए 2/7/1991 के बाद का होना चाहिए। लोअर लिमिट ऑफ डेट जो है कि 1/7/2006 के बाद का नहीं होना चाहिए, 1/7/2006 के पहले का और ये डेट के बाद का होना चाहिए। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें यहाँ पे तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे एनेक्जर 1 में दिया हुआ है, वो एनेक्जर 1 हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम एग्ज़ाम फीस की डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ एग्ज़ाम फीस 500 रुपये है, ठीक है, जनरल और OBC के लिए। SC ST वालों के लिए 250 रुपये है और यहाँ पे माइनॉरिटी और इकोनॉमिक EBC कैंडिडेट के लिए 250 रुपये है। ठीक है, और ओनली कैंडिडेट हु अटेंड CBT विल गेट रिफंड देयर एग्जामिनेशन फीस एज मेंशन एबव। फीस इसमें रिफंड भी आएगा, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 400 रुपये है OBC और जनरल वालों के लिए, विल बी रिफंड डुलाई डिडक्शन बैंक चार्ज एज एप्लीकेबल, यानी कि अन अपेयरिंग CBT एग्जाम में अपेयर होने के बाद आपको यहाँ पे 400 रुपये लौटा दिए जाएंगे और इनका 250 रुपये लौटा दिया जाएगा जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे।
और यहाँ पे और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। चलिए और कुछ इम्पोर्टेंट देख लेते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट है हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस देखिए, तो सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर उसके बाद फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट यानी कि इसमें दौड़ वगैरह होगा, फिर फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा यानी कि आपका हाइट वगैरह चेस्ट वगैरह नापा जाएगा, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, तीन मोड में आपका होगा, सबसे पहले सीबीटी के बाद पेट यानी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट या फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, पीएमटी भी इसे बोल सकते हैं, और उसके बाद तीसरा डीवी होगा, उसके बाद आपको फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा जिसमें आपका सिलेक्शन लिस्ट होगा। ठीक है, अब सीबीटी में आपका क्या होगा, टोटल यहाँ पे 90 मिनट में 120 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें एक क्वेश्चन एक मार्क का होगा और 1/3 निगेटिव मार्किंग है यहाँ पे, और जो यहाँ पे नॉर्मलाइज मार्क दिया जाएगा सीबीटी एग्जाम में, अलग अलग शिफ्ट में रखा जाएगा। तो ठीक है, सिलेबस की बात करते हो, यहाँ से आपका अर्थमेटिक से 35 नंबर का, जनरल नॉलेज से 35 नंबर का, और जनरल अवेयरनेस से 50 नंबर का, यानी 35 35 70 प्लस 50, 120 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे टोटल। उसका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में आपका क्या होगा, अगर आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के लिए, तो मेल कैंडिडेट के लिए 5 मिनट 45 सेकंड में 1600 मीटर दौड़ना होगा। ठीक है, और लॉन्ग जंप में 14 फीट और हाई जंप में 4 फीट चाहिए। वहीं कंस्टेबल एक्सिक्यूटिव फीमेल के लिए यहाँ पे दौड़ नहीं दिया हुआ है 1600, उनको 800 मीटर दौड़ना है 3 मिनट 40 सेकंड से, 9 फीट लॉन्ग जंप लगाना है और हाई जंप 3 फीट लगाना है फीमेल कैंडिडेट के लिए। और यहाँ पे पीएमटी यानी कि हाइट देखिए, हाइट का मतलब है कि ओबीसी ईडब्ल्यूएस और जनरल के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए 165, फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 मीटर चाहिए, एससी एसटी के लिए 160, मेल कैंडिडेट के लिए 152, फीमेल कैंडिडेट के लिए। और यहाँ पे गरवालीज, गोरखा, मराठास, डोगराज, इनके लिए 163 सेंटीमीटर मेल के लिए और 155 फीमेल के लिए। चेस्ट की बात करें तो चेस्ट यहाँ पे 84 80 चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए, और फुलाने के बाद 85 होना चाहिए। ठीक है, एक्सपेंड करने के बाद। वहीं पे एससी एसटी के लिए 76.2 चाहिए और एक्सपेंड करने फुलाने के बाद 81.2 चाहिए। ऐसे ही गरवाली और गोरखा आदि के लिए 80 चाहिए नॉर्मल, और फुलाने के बाद 85 चाहिए यानी कि एक्सपेंड करने के बाद। नेक्स्ट बात करते हैं और कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उस समय डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है कुछ, जो कि बाद में बन जाएगा। अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा आपको, ठीक है, अप्लाई करने का लिंक कल से ओपन हो जाएगी यानी कि 15/4/2023 से ओपन होगा, जिसे आप फिल कर सकते हैं। तो अलग अलग जोन के लिए अलग अलग यहाँ पे पैरा 14 में दिया हुआ है, यानी कि जिस भी जोन से आपको अप्लाई करना होगा ना, उसी जोन से आप फॉर्म को उसी लिंक के द्वारा आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है अहमदाबाद के लिए ये लिंक है, चेन्नई से भरना होगा तो इस लिंक से भरना होगा, मुजफ्फरपुर से ये लिंक भरना होगा, तो ये अलग अलग जोन के दिए हुए हैं। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रह जाता है तो, यहाँ पे कुछ भी इम्पोर्टेंट अब नहीं रह गया। बाकी अगर आप नोटिफिकेशन पढ़ना होगा तो पढ़ सकते हैं एक एक डिटेल नोटिफिकेशन। और यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन यहाँ पे क्या चाहिए, तो क्वालिफिकेशन यहाँ 10th पास आर इक्विवेलेंट यानी कि मिनिमम 10वीं पास होना चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए। ठीक है, और कोई यहाँ पे डिटेल नहीं है। यहाँ पे अगर कैटेगरी वाइज देखेंगे तो जनरल के लिए 1450 है, एससी के लिए 536 पोस्ट है, एसटी के लिए 268, ओबीसी के लिए 966, ईडब्ल्यूएस के लिए 357, और टोटल यहाँ पे 3577 मेल कैंडिडेट के लिए। वहीं फीमेल में देखेंगे, फीमेल जनरल के लिए 256, एससी के लिए 95, एसटी के लिए 47, ओबीसी के लिए 170, ईडब्ल्यूएस के लिए 63, और टोटल यहाँ पे 631 आया हुआ है, यानी कि 10% ऑफ टोटल वैकेंसी, यानी कि 10% एक सर्विस मैन वालों के लिए ना, और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। एनेक्जर वन मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिया, यानी कि 10th पास पे से ये वैकेंसी आई हुई है, और ये दिया हुआ है ना कि फार्मेट दिया हुआ है, डिक्लेरेशन फार्म का ओबीसी फार्मेट दिया हुआ है, एक सर्विस मैन का फार्मेट दिया हुआ है, तो इसे भी आप लोग देख लीजिएगा, इसी फार्मेट में आपको डॉक्यूमेंट बनाने होंगे। आज के लिए वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, जय हिंद।